राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। उन्होंने भगवान शिव और गुरु नानक की फोटो दिखाते हुए स्पीच की शुरुआत की। राहुल ने 90 मिनट का भाषण दिया। राहुल के स्पीच शुरू करने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। बिरला ने कहा कि आपके सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे। आपने कहा कि सदन नियम प्रक्रिया से चलना चाहिए। नियम के अनुसार किसी भी चिन्ह या प्ले कार्ड को सदन में नहीं दिखाना चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि क्या हाउस में भगवान शिव की तस्वीर दिखाना मना है? यहाँ दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, लेकिन शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूँ हमें इनसे प्रोटेक्शन मिला, अगर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रोटेक्शन मिला, तो मुझे चित्र नहीं दिखाने दिया जा रहा है। मेरे पास और भी चित्र हैं स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इसे जानता है, समझता है। राहुल ने शोर शराबे के बीच तेज आवाज में कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 2400 घंटे हिंसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इसका विरोध किया। अमित शाह ने माफी मांगने की मांग की। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।